अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निजामुद्दीन मेमन एंड आई एम डूइंग बीएस ऑनर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल आर क्रिएट माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज एंड दिस यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स आर हाई लेवल मैथमेटिक्स, बट टुडेज माय बेसिक टॉपिक इज डिविजिबिलिटी एंड इट्स सिक्स आर सेवन क्लास टॉपिक। सो व्हाट इज डिविजिबिलिटी? इफ अ नंबर we are dividing with any number and we get in the remainder zero, then it means that whole number is divisible with that number. For example, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी number उठा रहे हैं और divide कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी number के साथ, और हमें remainder में अगर zero मिल रहा है तो ये क्या है, सारा number जो है divisible है with that number. For example, हमारे पास 39 है, अगर हम divide करें 3 times 1 is 3, 0, 3 times 3 is 9, 0 and we get remainder 0, then इसका मतलब क्या हुआ, ये 39 जो है वो 3 के साथ fully divisible है। so ये तो एक simple number था दो digit का, पर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे number आ सकते हैं जो thousands में हो, लाखों में हो, कितने भी number हो सकते हैं, तो इसलिए but if there is a largest number then how to know that it is divisible by that number or not, so let's see। तो मतलब इसका मतलब यही है कि कोई भी बड़ा नंबर हमें मिल जाए तो हमें कैसे पता चले कि ये इस नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फॉर टू हम दो के लिए क्या चेक करेंगे, ऑन द यूनिट प्लेस इफ देयर इज एन इवन नंबर देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय टू। अगर दो, फॉर टू हम दो के लिए क्या चेक करेंगे कि अगर यूनिट प्लेस पर किसी भी नंबर में, किसी भी बड़े नंबर में यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर है, जैसे कि ये नंबर है 12322 12322, ठीक है, इसके यूनिट प्लेस पर हमारा क्या नंबर है, 2, जो है इवन नंबर। अगर यूनिट प्लेस पर इवन है तो ये 2 के साथ डिवाइड होगा, अदरवाइज ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये नंबर है 3231, तो ये क्या है, ऑड नंबर है, तो ये हम 3 के साथ डिवाइड नहीं और 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए ये भी नंबर है 43232, ठीक है, ये इवन है, लास्ट में कुछ भी हो सकता है, 6 कर लो, ठीक है, इवन नंबर होगा तो ये डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ये नंबर है लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, तो ये इसके साथ 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा। 2 के लिए तो आसान है, वैसे ये आपको आता भी होगा, पर हम 3 के लिए चेक करते हैं। फॉर 3 वी ऐड द होल डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर है जैसे कि बड़ा नंबर है, फॉर एग्जांपल 12345 नंबर है, ठीक है, अगर हम इनका सम कर रहे हैं आपस में 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15, तो ये देखें अगर इनका जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 है तो ये सारा जो है नंबर वो डिविजिबल बाय 3 होगा, 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। चेक करते हैं कि ये है या नहीं, 12345 है, ठीक है, 3 टाइम 4 इज 12, 3 उतारा हमने, 3 टाइम 1 इज 3, फिर हमने 4 उतारा, 3 टाइम 1 इज 3, एक बचा 5 उतारा, 3 टाइम 5 इज 15, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0, तो ये 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए हम 4 के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर किसी भी नंबर, किसी भी बड़े नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, मतलब यूनिट और 10, जो ये लास्ट 2 डिजिट हैं, जैसे 1236 है, इसमें देखो ये 2 डिजिट्स जो हैं अगर 4 के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो ये सारा नंबर 4 के साथ डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि चेक करते हैं 1236, 4 टाइम 1 इज 4 टाइम 3 इज 12, 3 उतारा हमने, 3 पर टेबल नहीं लग रही, 0 पुट किया हमने, 3 टाइम 4 टाइम 9 इज 36, तो हमें क्या मिला, रिमाइंडर 0, ठीक है, और ये सारा नंबर हमारा डिवाइड हो गया है 4 के साथ। तो मतलब लास्ट जो 2 डिजिट होंगे अगर वो 4 के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो ये सारा नंबर 4 के साथ डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 के लिए आसान है, ऑन द यूनिट प्लेस ऑफ इफ देयर इज 5 आर 0 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5।
अगर यूनिट प्लेस पर क्या हो, या जीरो हो या फाइव हो, तो ये सारा नंबर फाइव के साथ डिवाइड होगा।